हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जॉब वैकेंसी की, जो वर्क फ्रॉम होम है और ये निकली हुई है अमेजोन में। अमेजोन में यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी ओपनिंग्स हैं यहाँ पर, तो आपको ये वर्क फ्रॉम होम रहेगी। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये है TSROC हैदराबाद जो है सेक्टर के लिए निकली हुई है, लेकिन ये आपकी वर्क फ्रॉम होम अभी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की आगे हम यहाँ पर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आ ट्रांस OPS स्पेशलिस्ट एट ROC फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर। यहाँ पर जो है यहाँ पर निकली है जो वैकेंसी, ये आपकी हैदराबाद रीजन में, और ये जो है ब्रांच एग्जीक्यूटिव की ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूशन में यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको इसमें क्या करना है, कॉल वगैरह हैंडल करने हैं कस्टमर के और उनसे कम्युनिकेशन यहाँ पर करनी है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो जॉब जो है ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूशन की यहाँ पर रहेगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट में जो है वो है यहाँ पर कि कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल कस्टमर्स, कैरीज, वेंडर, सप्लायर एंड इंटरनल कस्टमर्स, रिटेल फाइनेंसर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, फुलफिलमेंट सेंटर, बोथ ऑन फोन एंड ईमेल्स। आपको सिंपली फोन और ईमेल से करना है, आपको वहाँ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एबिलिटी टू पुल डाटा फ्रॉम न्यूमरस डेटाबेस, एक्सेल वगैरह में आपको डेटा बनाना होगा, ये सब कुछ यहाँ पर हैंडल करना होगा, ठीक है। तो आपको जो है एक्सेल वगैरह रन करना आना चाहिए, उस पर वर्कशीट वगैरह बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और SQL वगैरह आपका नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो जो है एक्सेल बस काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेवलप एंड और अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स टू असिस्टेंट विथ ड्राइविंग बिजनेस रिजल्ट। एबिलिटी टू स्कोप आउट बिजनेस एंड फंक्शन रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। अंडरस्टैंड दी बिजनेस इम्पैक्ट ट्रेंड्स और सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड्स प्रॉब्लम और बैरियंस दी इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू रिलेवेंट ओनर्स। आपको मतलब कि जो है आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उनसे अच्छे से बात कर सकें और इन्फॉर्मेशन को सप्लाई कर सकें, समझ सकें। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, वर्बल एंड रिटन दोनों ही आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्रिएट एन एडिशन आउटलाइनिंग वीकली फाइंडिंग्स एंड द वेरियंस ऑफ गोल्स, जो गोल्स वगैरह आपको दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। और मस्ट बी एबल एंड विलिंग टू हैंडल कॉल्स। आपको क्या करना होगा, आपको कॉल्स वगैरह जो है वो हैंडल करने होंगे। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, उनको उनकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करना होगा थ्रू फोन और ईमेल, फोन कॉल्स और ईमेल से, ठीक है। रियल टाइम कस्टमर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करा जाएगा और इसमें 24/7 जो है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इसमें रहेगा, 24 घंटे का इसमें रहेगा। और जो आपकी शिफ्ट रहेगी ये देखिए, विलिंग टू सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम रहेगा विथ रोटेशनल शिफ्ट एंड वीक्स ऑफ। वीक में आपको ऑफ भी मिलेगा, रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। कभी आपकी जो है नाइट वाली शिफ्ट लग सकती है, कभी जो है डेज में शिफ्ट लग सकती है इस टाइप से। और वीक ऑफ्स भी रहेगा, यानी सैटरडे संडे 2 दिन या 1 दिन आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन में यहाँ देखिए बैचलर डिग्री एंड अबव मांगा गया है, उसके बाद लिखा हुआ है आपको मिनिमम जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और 0 to 48 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट विल बी फैसिलिटेटिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्सटर्नल पार्टीज। यहाँ पर लिखा है प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एक्सेल एक्सेल वगैरह आना चाहिए आपको। एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट्स ऑफ डाटा, ये सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन ऑपरेशंस और इन रिलेटेड फील्ड विल बी प्रेफर्ड। जिनके पास मास्टर डिग्री है ऑपरेशंस में उनको यहाँ पर क्या होगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करें आगे तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन, कस्टमर्स और आर रिलेटेड फील्ड विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वायर्ड। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो प्रेफरेंस इनको दी जाएगी अगर इंजीनियर वगैरह में उनकी बैचलर डिग्री है और सप्लाई चेन वगैरह में कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में। आगे यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि शिफ्ट आपकी रोटेशनल रहेगी, ठीक है, और वीकली रोटेशनल 2 डेज ऑफ, मतलब सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरी यहाँ पर वैकेंसी का इन्होंने बताया हुआ है कि क्या इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिंक दी गई है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कैप्चर रहेगा, उसमें लिखा होगा आई एम नॉट अ रोबोट, उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये खुल जाता है। यहाँ पर ये जॉब रोल सिर्फ अभी इसी फील्ड में निकली हुई है, देखिए TSROC हैदराबाद FTC के लिए। यहाँ पर उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सोर्स डिटेल में यहाँ पर हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, आपको ये जॉब के बारे में कैसे पता चला,
यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, यहाँ पर जेंडर आपको डालना होगा, सिटीजनशिप आपकी इंडिया की इसमें सेलेक्ट कर लेना, फुल एड्रेस, हाउस नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, ऑल इंडिया लेवल पर है, कोई भी कहीं से भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अपना फुल एड्रेस डालना है, करेंट सिटी, करेंट स्टेट, पिन कोड, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग, एजुकेशन टाइप, और उसमें उसके बाद यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स डालना है। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर जाकर क्या करना है, जीरो डाल देना है। आर यू वर्किंग करेंटली, तो यहाँ पर येस और नो है, अगर येस है तो यस पर करिए, अदरवाइज नो पर कर लीजिए, ठीक है। नोटिस पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कब से जो है जॉब ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, तो कैन ज्वाइन इमीडिएटली, अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं तो इमीडिएटली करिए, विद इन 0 to 15 days, 16 to 30 days आप यहाँ पर इमीडिएटली पर कर सकते हैं, ठीक है, कि तुरंत हम ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, करेंट एम्प्लॉय या लास्ट एम्प्लॉय, तो यहाँ पर नो लिखना है, तो आप क्या करें, सिंपली कैपिटल एन और स्लैश लगा कर यहाँ पर ए लिख दें, ठीक है, एन और नो, फिर करेंट मंथली सैलरी आपको नंबर्स में लिखना है, तो यहाँ पर आपकी क्या है, कोई भी नहीं है मंथली सैलरी, तो आपने जीरो यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, सिंपली, तो यहाँ पर आपको जीरो पुट कर लेना है। फिर आगे आपको यहाँ पर जाना है अदर डिटेल्स में, तो आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट हुई बिजनेस में तो आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, तो येस और नो करना है, आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको उसका जो है एक्स्ट्रा इनकम भी आपको उससे जनरेट हो जाएगी, अगर आप कर पाएंगे तो येस कर देना, उसके बाद ये विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट में आप जो है काम कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स दे देना है, ठीक है। यस और नो, तो हमने लिखा है यहाँ पर कि नो नहीं, हम क्या करेंगे, डे टाइम में बस करना है हमें, तो आर यू विलिंग टू लोकेट द लोकेशन मेंशन इन द रिस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रिलोकेट हो सकते हैं आप अपनी लोकेशन से, अगर यहाँ पर नेसेसरी हुआ या लिखा हुआ है जहाँ पर, जैसे हैदराबाद का, तो ये यहाँ पर ठीक है आप सेलेक्ट कर लेना कि येस और नो, बाकी सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ये पैन कार्ड वगैरह आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद आधार कार्ड वगैरह आपके पास है तो उसका नंबर आपको डालना है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजोन, में आप पहले कभी रह चुके हैं एम्प्लॉयमेंट, करेंटली वर्किंग विथ अमेजोन, आर यू करेंटली, क्या आप अभी करेंट में भी वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली अपना डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देना है, रिज्यूम अप्लाई यहाँ पर करना है, और यहाँ पर आपको फोटो चूज करनी है, और ये फोटो और जो CV की साइज है वो आप देख लीजिए, 3 MB आपका CV का रहेगा साइज, और जो आपकी फोटो है उसका साइज आपका 4 MB रहेगा, तो इस टाइप से आपको करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, इस बॉक्स पे, और कंफर्म कर लेना है सारी कि आप सब कुछ जो भी पूछा गया है वो आपका रियल है और आप सभी कुछ समझ गए हैं क्या करना है, उसके बाद इस कैप्चर में आपको यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा, और आपका जो उनको रिस्पॉन्स देना होगा तो वो आपकी ईमेल आईडी पर आपको जो है सारा रिस्पॉन्स यहाँ पर देंगे, ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी के थ्रू ही वो आपको करेंगे, और आपका कांटेक्ट नंबर भी है तो उस पर कॉल करके आपसे वो इंटरव्यू वगैरह ले सकते हैं और पूछ सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर, ठीक है, और डेट वगैरह भी बता देंगे, अगर उन्हें कोई एग्जाम भी लेना है इसके बाद आपका रिटेन या कुछ भी, तो वो लिंक प्रोवाइड आपको यहाँ पर करेंगे, तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पर पूरा डेटा फिल करके सेंड कर दीजिए उनको, और आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इसमें अच्छी ओपनिंग्स हैं, इसमें 10 ओपनिंग्स हैं, ठीक है, 10 वैकेंसीज इसमें हैं, तो ये ओपनिंग्स बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर अप्लाई करें, वर्क फ्रॉम होम अभी है, कम से कम 1 2 साल तो अभी ये वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है आप लोगों के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।